आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 52,959 पहुंच गया है। वहीं 688 लोगों की मौत हो गई है। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल, नाव कारोबारियों में खुशी। लॉकडाउन के बाद सरोवर नगरी नैनीताल का पर्यटन कारोबार अब एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगा है, जिसे नैनी झील में नाव चालकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। नाव चालक अपनी नावों को रिपेयर कर सजा रहे हैं ताकि पर्यटकों को नावों में घुमाया जा सके। बड़ी खबर, उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति का रास्ता साफ, कोर्ट ने दी मंजूरी। हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के शिक्षा विभाग को प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। नियुक्तियों पर रोक के संबंध में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका डाली गई थी, इसके चलते ये भर्तियां रुकी हुई थी, लेकिन आज हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड में टला बड़ा हादसा, अनियंत्रित हुई आईटीबीपी के जवानों से भरी बस, मचा हड़कंप। मसूरी में आज गुरुवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल मसूरी कैंपटी रोड पर आईटीबीपी के जवानों से भरी बस सुबह जेडब्ल्यू मैरियट होटल के पास अनियंत्रित हो गई, इससे हड़कंप मच गया। बस में 30 जवान सवार थे, सभी जवान सुरक्षित हैं। जानकारी मिली है कि जहां बस अनियंत्रित हुई, वहां अगर बस का जरा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो खाई में गिर सकती थी, लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया। जानकारी मिली है कि आईटीबीपी के बस में 30 जवान सवार थे जो सुरक्षित हैं। आसपास के लोगों और पुलिस ने रस्सी के सहारे आईटीबीपी की बस को खींचा और बस सड़क पर लाई गई। जल्द खत्म होगा कोरोना महामारी का दौर, इस महीने आएगी वैक्सीन, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कोरोना वायरस के महामारी का दौर जल्द समाप्त होगा। जी हाँ, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद इस वायरस को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इसकी जानकारी दी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस साल के अंत यानी दिसंबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो उत्तराखंड को एक साथ 1 करोड़ वैक्सीन तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन इस बात की तैयारियां की जा रही हैं। प्राथमिकता के साथ ठीक तरीके से वैक्सीनेशन हो जाए, इसकी रणनीति बनानी है। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव का अमित नेगी का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया है कि किस तरह वैक्सीन जनता को दी जाएगी। दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, 922 छात्र छात्राओं को दी डिग्रियां, 4 को मानद उपाधि। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय का ये तीसरा दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। बता दें कि कोरोना काल के चलते इस बार दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया। इजन मेडिकल नर्सिंग और पैरामेडिकल के 922 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। बता दें कि कार्यक्रम में एमडी एमएस के 82, एमबीबीएस के 176, एमएससी नर्सिंग के 63, बीएससी नर्सिंग के 319 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गई। वहीं कार्यक्रम में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के 97, एमपीसीसी के 5 और पैरामेडिकल के 180 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। वहीं इस दौरान 4 हस्तियों को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। टिहरी डीएम ने क्षतिग्रस्त मकानों का किया निरीक्षण, सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। टिहरी जिलाधिकारी ने गुरुवार को NH-94 के पास चंबा में क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्या सुनी। धर्मशाला निर्माण के दौरान खुदाई में निकला अनोखा पत्थर, लोगों की जुटी भीड़। चंपावत में धर्मशाला निर्माण के दौरान खुदाई में निकले पत्थर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि इस पत्थर को 5 दिनों से जेसीबी से तोड़ा जा रहा था, लेकिन पत्थर नहीं टूटा, जिसको लेकर मंदिर समिति ने इसे आस्था का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। जिला मुख्यालय में अवैध खनन जोरों पर, प्रशासन बेखबर। चमोली के गोपेश्वर के पास अलकनंदा और बालखिला नदी के किनारे अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। स्थानीय लोगों में चमोली तहसील के अधिकारियों पर खनन कारोबारियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। फतेहपुर रेंज में गुलदार का आतंक, वन विभाग ने मानने के लिए लिखा पत्र। बीते कुछ दिनों में गुलदार कई लोगों पर हमला कर चुका है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार हो रहे कोल्ड स्टोरेज।
देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन का भी इंतजार किया जा रहा है। 2021 में कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने के संकेत को देखते हुए प्रदेश सरकार भी इसकी तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए अब कोल्ड चेन कंटेनर के रखरखाव के अलावा सप्लाई चेन को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों का भी डाटा तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। विदेशी महिला बोली, मुझे ड्रग्स देकर किया मेरे साथ बलात्कार। थाना मुनि की रेती क्षेत्र में एक विदेशी महिला ने स्थानीय युवक पर रेप का आरोप लगाया है। विदेशी महिला का कहना है कि उसे चोरी छिपे ड्रग्स देकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने मुनि की रेती थाना में युवक के खिलाफ बलात्कार, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर सौंपी है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। ड्रग्स देकर बार बार रेप करने का आरोप। मुनि की रेती पुलिस ने जानकारी दी कि अमेरिका की 37 वर्षीय महिला ने तहरीर देते हुए अभिनव राय, पुत्र अनिल कुमार राय, हाल निवासी बालकनाथ मंदिर रोड तपोवन, मूल निवासी देवनगर इलाहाबाद पर रेप, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। विदेशी महिला का कहना है कि स्थानीय युवक अभिनव ने उसके साथ कई बार अपने फ्लैट पर बुलाकर उसे धोखे से ड्रग्स दिया और उसके साथ कई बार रेप किया। हरिद्वार में बड़े घोटाले का मामला आया सामने, सुपरवाइजर के खिलाफ बड़ा एक्शन। लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लक्सर में खाद और कीटनाशकों के वितरण में घोटाले के मामले में प्रशासनिक जांच में तत्कालीन सुपरवाइजर की भूमिका सामने आई है। एसडीएम ने सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। इस साल जून माह में सहकारी गन्ना विकास समिति के रायसी गोदाम में 21,11,770 रुपए का खाद और कीटनाशक घोटाला सामने आया था। सीडीओ की प्रारंभिक जांच में उस समय तैनात रहे सुपरवाइजर अनिल कुमार राठी की भूमिका गबन में सामने आई है। डीसीओ के आदेश पर आरोपित सुपरवाइजर अनिल के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में शिकायत पर जिलाधिकारी ने भी एसडीएम पूरण सिंह राणा के नेतृत्व में 1-3 सदस्यीय जाँच कमेटी गठित की थी। घोटाले की जाँच पूरी कर कमेटी ने अब रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। एसडीएम पुराण सिंह राणा ने बताया कि सुपरवाइजर के पास उस समय रायसी गोदाम का चार्ज था। इस दौरान उसने किसानों को बहला फुसला कर उनकी चेकबुक ले ली और किसानों की चेकबुक पर गोदाम से खाद व कीटनाशकों का गबन किया गया। जांच के दौरान इसकी पुष्टि हुई है। विकास नगर में राजमा उत्पादकों पर मौसम की मार, फसलों को भारी नुकसान। चौंसर बावर में इस वर्ष समय से बारिश न होने के कारण राजमा की खेती करने वाले किसानों पर मौसम की मार पड़ी है, जिस कारण इस साल किसान में काफी मायूस है। केदारनाथ के लिए कल से शुरू होगी हेली सेवा, अब तक इतने लोगों ने कराई बुकिंग। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए कल से हेली सेवा शुरू होनी है। अभी तक इसके लिए 850 से ज्यादा लोग ऑनलाइन बुकिंग भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सार्वजनिक शौचालय पर लटका ताला, कांग्रेस ने उठाए सवाल। गांधी जयंती के मौके पर पौड़ी जिले के पाबो सार्वजनिक शौचालय को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार मिला था, लेकिन इस शौचालय पर ताला लटके रहने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती धामने को लेकर 13 अक्टूबर को सचिवालय कूच करेगी NSUI। बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती धानली की अभी तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिसके कारण कांग्रेस के सहयोगी छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। नाराज NSUI कार्यकर्ताओं ने आगामी 13 अक्टूबर को सचिवालय कूच करने का ऐलान किया है। सचिवालय कूच के दौरान NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल होंगे। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल, नाव कारोबारियों में खुशी। लॉकडाउन के बाद सरोवर नगरी नैनीताल का पर्यटन कारोबार अब एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगा है, जिसे नैनी झील में नाव चालकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। नाव चालक अपनी नावों को रिपेयर कर सजा रहे हैं, ताकि पर्यटकों को नावों में घुमाया जा सके।